क्वेश्चन है रिप्रेजेंट दीज इरेशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन. एक वीडियो में पहले अपलोड कर चुकी हूँ जिसमें पॉइंट का बताया है, जैसे 3.5. लेकिन कुछ स्कूल में टीचर्स, जैसे 3 मैंने यहाँ लिया, 3.0 लिख सकते हैं 3 को, तो ये पॉइंट वाले मेथड से उसको ओके कर देते हैं. लेकिन कुछ स्कूल में ओके नहीं करते. तो जब पॉइंट वाले ना हो नंबर हो, तो इसको इरेशनल नंबर को जब हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, पाइथागोरस थ्योरम. ठीक है, एक्चुअली ये हम बनाएंगे हाइपोटेन्यूज, और परपेंडिकुलर और बेस हमें सेलेक्ट करना है. राइट, अब जैसे मैंने ये किया नंबर लाइन बना लिया, देखिए ये ज़ीरो आ गया. यहाँ से हम लेते हैं ऐसे, ये 1, 2, 3, 1, 2, 3. अब ये रूट टू कैसे आएगा? अब आप सोचिए, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है ना, ये बेस होता है, ये हाइट होता है, ये हाइपोटेन्यूज. और थ्योरम क्या है? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर. अब अगर मैं ये भी 1 ले लूँ, ये भी 1 ले लूँ, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर एच स्क्वायर. तो मेरा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर जो है, 1 का स्क्वायर, ये 1 आ गया आंसर, ये भी 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2 आ गया, और ये उधर जाके क्या बन जाएगा? अंडर रूट आ गया ना, ये रूट टू. तो यानी ये जो हाइपोटेन्यूज है, ये किसके इक्वल है? रूट टू. तो जब भी तुम्हें ये नंबर मिलेंगे ना, तो तुम्हें सोचना पड़ेगा कि तुम बेस क्या लो और तुम हाइट क्या लो. अब 2 के रिप्रेजेंट के लिए मुझे बेस 1 मिल गया, हाइट 1. देखो अभी तो मैं इसको ऐसे ही सीधा ड्रॉ कर रही हूँ 1 सेंटीमीटर, लेकिन एक्चुअल लॉजिक क्या है कि तुम्हें यहाँ पे राइट एंगल बनाना पड़ेगा. ये राइट एंगल ऐसे राइट एंगल बनेगा ना, पूरा 90 डिग्री का एंगल बनाना आता है ना, तो आप पूरा 90 डिग्री का एंगल यहाँ बना लेना, और फिर 1 का लेके यहाँ पे कट कर देना. अब मैंने यहाँ पे वो स्किप कर दिया, 90 डिग्री का एंगल जो बनाते हैं, मैंने वो स्किप कर दिया, यहाँ 90 डिग्री का पूरा ऐसे एंगल जो बनता है. अब आपका ये क्या है? ये आपकी क्या है? हाइपोटेन्यूज. और ये कितनी है? रूट टू. बस आप इसको यहाँ ऐसे लोगे, और ये नंबर लाइन पे जो पॉइंट आया आपका, ये आया रूट टू. इसको जो जॉइन करेंगे ना, ये लिया. और मैं बार बार कह रही हूँ, आप यहाँ 90 डिग्री का एंगल बना के दिखाएंगे. ये है हमारा राइट. अच्छा, अब आइए हम 3 पे जाएं. 3 पे देखो, अगर मैं रूट टू ले लूँ स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर ले लूँ, ये हाइपोटेन्यूज बन जाएगी. रूट टू इंटू रूट टू, 2, ये आ गया ना 3, तो एच आ गया रूट 3. अब आपकी एनसीईआरटी की बुक में पता है कैसे है? आपकी एनसीईआरटी की बुक में है कि ये हमारा ये है, यहाँ आपने 90 डिग्री का एंगल बनाना है राइट. फिर वही 90 डिग्री का एंगल, चलो ये मैं यहाँ बना ही देती हूँ. देखिए ये रूट टू बेस हो गया, ये 90 डिग्री का एंगल. अब हाइट मुझे कितनी लेनी है? 1. और अब ये हाइपोटेन्यूज आ गया है ना. अब इस हाइपोटेन्यूज को आप मेजर करिए, और वो जो यहां पॉइंट आएगा वो आपका रूट 3 है. रूट 2 के लिए मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, रूट 3 के लिए मुझे रूट 2 की ज़रूरत पड़ेगी. अब आइए रूट 5. रूट 5 पे मैं बेस 2 लेती हूँ, सॉरी 2 और 1, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 आ गया 5. तो h कितना आ गया मेरा? रूट 5. अब मैं दोबारा से नंबर लाइन लूँगी. One, two, three, four.
अब टू पे 90 डिग्री का एंगल बनाना है जैसे मैंने यहाँ बनाया है, ओके। फिर इसको 1 सेंटीमीटर कट करना है, ये 1 सेंटीमीटर आपने कट कर दिया, ये हाइपोटेन्यूज जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है रूट फाइव, ये हाइपोटेन्यूज रिप्रेजेंट कर रहा है रूट फाइव, ओके। अगर आपको रूट सिक्स बनाना है तो रूट फाइव का स्क्वायर प्लस वन, फाइव प्लस वन सिक्स हो गया। रूट सेवन बनाना है तो रूट सिक्स का स्क्वायर प्लस वन, सिक्स प्लस वन हो गया ना। तो आपको ये नंबर सेलेक्ट करने हैं कि आप कैसे करते हो, ओके। तो ये आपको देखना है, आप ये बेस चेंज कर सकते हो। अब आप रूट सेवन हो गया, रूट नाइन के लिए क्या होगा, थ्री का स्क्वायर प्लस वन, नहीं सॉरी रूट टेन के लिए, थ्री थ्री ज़ा नाइन प्लस वन टेन, ऐसे सेलेक्ट करने हैं आपको।